बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और गर्व भी होता है कि हम एक लड़की हैं। लेकिन क्या वास्तव में समाज का नजरिया बदला है? क्या वास्तव में हमें इन सब बातों से कोई लेना देना होता है? और हम इस मुहिम में कहां तक साथ दे रहे हैं? शिक्षा में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यह आज किसी से भी नहीं छुपा है। शिक्षा पाने की ललक जितनी एक अमीर बच्चे में होती है, उतनी ही एक गरीब बच्चे में भी। आइए हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे विद्यालय की ओर जहां पल रहे हैं गरीब बेटियों के सुनहरे सपने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर सितारगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की, जहां ये बेटियां शिक्षा एवं अन्य क्रियाकलाप में किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा सन 2005 में ऐसी बालिकाओं के लिए की गई जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं और किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। ऐसी बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये विद्यालय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इनको अपने सपनों को फिर से साकार करने की उम्मीद नजर आती है। मानो यही उनकी दुनिया है और ये बेहद खुश हैं। और हो भी क्यों ना, इनको वार्डन के रूप में एक अध्यापिका नहीं बल्कि माँ जो मिली है। हम बात करें हैं श्रीमती ललिता कोहली की, जो एक वार्डन के साथ साथ प्राध्यापिका भी और उससे बढ़कर इन बच्चियों की माँ कह सकते हैं, जो उनकी छोटी से बड़ी सभी जरूरतों को, भावनाओं को समझकर उसका उचित निराकरण करती हैं। ये प्रेम भाव केवल बच्चों के साथ ही नहीं वरन अन्य अनुदेशिकाओं के साथ भी उनका यही व्यवहार रहता है, जिससे विद्यालय का परिवेश सकारात्मक बना रहता है। आवासीय विद्यालय से ज्यादा इन बेटियों को ये घर जैसा प्रतीत होता है, जहां उनका खाने पीने, पहनने, पढ़ने लिखने के साथ साथ मनोरंजन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, हस्तकला, खेलकूद, साहसिक क्रियाकलाप का भी भरपूर ध्यान रखा जाता है और भविष्य में आत्मनिर्भर रहने का प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाता है। और इसी का परिणाम है कि ये लगातार जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अव्वल आकर अपना तथा विद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। आप लोग अपने टैलेंट को फॉलो करिए, आप लोग अपनी रुचि को फॉलो करिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सितारगंज का भी नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और उत्तराखंड का भी एक नाम रोशन करेंगे, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। इन बच्चियों के निरंतर विकास से केवल ये ही नहीं, इनके माता पिता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अचानक इनकी सारी खुशी गम में बदल जाती है जब छुट्टियों में घर जाने का समय होता है। कुछ बच्चों के चेहरे में घर वालों से मिलने की खुशी झलकती है तो कुछ घर जाने के नाम से कतराने लगते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। ऐसे बच्चों का ये आशियाना है जो अनाथ भी हैं या बिना माता पिता के हैं, तो घर जाकर उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगता है, जब मालिकों के घर में वो सारे काम करने पड़ते हैं जिससे वो काफी दूर रहती हैं। केवल इसलिए क्योंकि उन्हीं लोगों से उनके परिवार का पेट पलता है। चेहरे की खुशी और चमक फिर वापस आ जाती है जब वो छुट्टियों के बाद वापस अपने सपनों को एक नई दिशा देने के जज्बे के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं और वही हंसी, वही खुशी फिर से इनके मासूम चेहरों पर खिल जाती है। वास्तव में ये अद्वितीय है जो इतनी सी उम्र में भी बड़े संघर्ष करके भविष्य को संवारने और समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। इनका ये सफर बस यहाँ नहीं रुकता, बल्कि ये इतने कुशल और आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि यहाँ से निकलकर कोई भी अच्छी कंपनी में कार्यरत हो सकते हैं। बहुत सी बच्चियां अच्छी कंपनियों में कार्यरत हैं, तो कोई मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल में अपने भविष्य को सजा रही है। ललिता कोहली जी के प्रयास से क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियां भी समय समय पर विद्यालय को सहयोग प्रदान करती रहती हैं। अगर हम वास्तव में देश की उन्नति में भागीदार बनना चाहते हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूरत है इनकी मदद करें, तब शायद हमें ज्यादा संतुष्टि मिले
और इनका भविष्य भी उज्जवल हो पाए।